नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पार्लो, स्पॉटलाइट देख रहे हैं आप और आज बात करेंगे दिग्गज दरकिनार। जी हां, उत्तर प्रदेश के 80 लोकसभा सीटों को जीतने की दावेदारी तमाम दल पेश कर रहे हैं। बीजेपी ने अपने 51 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। यूपी में सपा 27 के करीब उम्मीदवार पहले ही घोषित कर चुकी है। वहीं सपा कांग्रेस में सीटों का बंटवारा भी हो चुका है, जिसमें कांग्रेस 17 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली है। बाकी सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए सपा पीडीए का नारा बुलंद कर दमदारी से चुनाव में जुट गई है। इधर बीजेपी अपनी बड़ी बैठक 8 मार्च को करने वाली है, जिसमें यूपी की बाकी बची 29 सीटों पर प्रत्याशियों के नामों की घोषणा होनी है। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पहली लिस्ट में 51 में से 4 सीटों पर प्रत्याशी बदले हैं। पहली लिस्ट में कई दिग्गज सिटिंग एमपी के नाम नहीं है। इन दिग्गजों में केसरगंज से बाहुबली सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह, रीता बहुगुणा जोशी, मेनका गांधी, वरुण गांधी, स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी और बदायूं से सांसद संगमित्रा मौर्य, देवरिया से रमापति राम त्रिपाठी, गाजियाबाद से वीके सिंह, बरेली से संतोष गंगवार की सीटों पर अभी संशय की स्थिति बरकरार बनी हुई है। माना यह भी जा रहा है कि बीजेपी की दूसरी लिस्ट भी चौंकाने वाली हो सकती है, जिसकी वजह से भी दिग्गजों में खलबली है। और सवाल यह भी है कि दिग्गजों को दरकिनार क्यों किया जा रहा है। इस बीच बीजेपी 6 सीट सहयोगी दलों, जिनमें अपना दल निषाद पार्टी रालोद सुबसपा को दे सकती है, जिसके लिए सीटें जब आप कह सकते हैं, यानी अगली लिस्ट में 23 या 24 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान हो सकता है, जिसके लिए राष्ट्रीय नेतृत्व भी फूक फूक कर कदम रख रहे हैं। उधर भाजपा की कश्मकश पर तंज कसते हुए सपा अखिलेश यादव ने भी चुटकी लेते हुए एक्स पर पोस्ट किया और लिखा, भाजपा के लोग पीडीए से हार के डर से टिकट वापस कर रहे हैं। एक तरफ दिग्गज दरकिनार, दूसरी तरफ टिकट पर रार। इस बार क्या पीछे है इसके चुनावी तकरार, इसी पर हम चर्चा करने की कोशिश करते हैं। इसी मुद्दे पर कुछ प्रतिक्रियाएं हमारे पास आई हैं, वो आप सुन लीजिए। प्रदेश का जो संगठन है और प्रदेश के नेतृत्व का जो फीडबैक होता है, जो प्रदेश के नेतृत्व से चर्चा होती है, उसके आधार पर जो संसदीय क्षेत्र हैं उसके लिए उपयुक्त प्रत्याशी के रूप में केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड, जिसकी प्रत्याशा को सर्वाधिक बेहतर समझता है, उस पर अपनी मोहर लगाता है। और जिसको भी भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व लोकसभा चुनाव के लिए अपना प्रत्याशी बनाएगा, भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता और प्रदेश की जनता जनार्दन को उसको अपार समर्थन और उसको विश्वास भरोसा जनता का प्राप्त हो। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो आंतरिक स्थिति है वो बहुत गंभीर स्थिति में है। ना तो इस वक्त उनके पार्टी से बहुत सारे लोग ऐसे आप देख रहे होंगे जिन्होंने चुनाव लड़ने से मना कर दिया, बहुत सारे लोग ऐसे जो टिकट मिलने के बाद चुनाव लड़ने से, स्थिति बहुत गंभीर है। जो सबको पता है कि जहाज डूबने वाला है और उससे उतर के लोगों ने उतर के भागना शुरू कर दिया। तो भारतीय जनता पार्टी इस रणनीति पे काम कर रही है कि जितना ज़्यादा ज़्यादा लोगों को टिकट काट दिया जाए उतना ही बेहतर है, कहीं ऐसा ना हो टिकट मिलने के बाद वो पार्टी छोड़ के चल जाए, उनके लिए बड़ी फजीहत होगी। तो भारतीय जनता पार्टी कुछ भी कर ले, चाहे वो टिकट दे, बांटे, बदले, कुछ भी कर ले, लेकिन 2024 में उनकी करारी हार होने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के पास जमीन पे कुछ ना बताने को है, ना उन्होंने इतने 10 सालों में लगभग कुछ किया भी नहीं। उनके पास उत्तर प्रदेश में जमीनी स्तर के जो कैंडिडेट हैं वो भी नहीं है। टाइम वो बहुत हड़बड़ाहट में है, वो जानते हैं कि जनता की जो सोच है वो उनके खिलाफ है, वो विपक्ष की एकता से भी घबरा गए हैं। इंडिया गठबंधन उनको लगातार चुनौती दे रहा है। और खैर, भारतीय जनता पार्टी की अपनी लिस्ट है, वो जैसे अच्छा चाहे वैसे करे, वो अमरीका से ला के किसी को लड़ा दे, समाजवादी पार्टी को कोई आपत्ति नहीं है। आपत्ति जब टिकट ना मिले तो स्वीकारोक्ति जरूर हो जाती है, लेकिन अब आपत्ति किसे किसे है, ये चुनावी मैदान में जब ये जाएंगे उसके बाद क्या होगा क्या नहीं होगा, उससे तो और भी स्थितियां साफ होंगी। खैर, लिस्ट जब आई तब कई सारी प्रतिक्रियाएं सामने आई थीं, और अब जब अखिलेश जी ने इस पर ट्वीट किया तो उन्होंने कहा कि जो लोग वापस टिकट ले रहे हैं, मनाही कर रहे हैं वो चुनाव लड़ने की, उसके पीछे की वजह है बीजेपी का वर्तमान परिस्थिति में हारना या हार के डर से ये प्रत्याशी टिकट वापस ले रहे हैं। इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं मिलियन मेहमान से, जो हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं, उनसे आगे सवाल का जवाब लेने की कोशिश करेंगे। केसी जैन साहब बीजेपी से हमारे साथ बने हुए हैं। जैन साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका। सिद्धेश्वरी जी कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता हैं, बहुत स्वागत आपका भी मैडम। आरिफ अबीब साहब सपा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत स्वागत आरिफ साहब आपका। नीरज राय जी राजनीतिक विश्लेषक है, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं केसी जैन साहब आपके पास आ रही हूँ उस ट्वीट को लेकर, उस एक्स पोस्ट को लेकर जिसमें अखिलेश जी ने कहा कि आपके जो लोग जा रहे हैं, जिनमें गौतम गंभीर साहब ने तो राजनीतिक संन्यास ले लिया है और बाकी आसनसोल से पवन जी ने कह दिया वो नहीं लड़ना चाहते, वजह जो भी हो, लेकिन अखिलेश जी ने इसके पीछे की वजह सिंपल एंड स्वीट ये बताई है कि डर रहे हैं वो, उनको हार का डर सता रहा है और पीडीए के सामने अपने आप को कमजोर महसूस कर रहे हैं। जवाब सर।
देखिए पारुल जी, जिनकी पार्टी के बड़े बड़े दिग्गज आज समाजवादी पार्टी को छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके हैं, शामिल ही नहीं हुए हैं बल्कि वो बड़े पदों पर आसीन भी। आप देखिए संजय सेठ जी का नाम पार्टी के कद्दावर नेता कभी हुआ करते थे, आप देखिए नीरज शेखर जी को जो कि पूर्व प्रधानमंत्री जी के बेटे हैं समाजवादी पार्टी में हुआ करते थे, तमाम सारे नाम हैं जो कि आज भारतीय जनता पार्टी में हैं, इनको तो छोड़ दीजिए। आप देखिए जिसको लेकर के समाजवादी पार्टी लंबे समय से सवाल कर रही थी कि इनकी ताजपोशी कब हो रही है, इनको मुकुट कब पहनाया जा रहा है, इनको मंत्री कब बनाया जा रहा है, तो आप देखिए चार लोगों को अभी कल जिन लोगों को मंत्री बनाया गया, तो आप देखिए कि सुभाषपा को लेकर के तमाम सारे सवाल करते थे, तो पूरी की पूरी पार्टी आज हमारे साथ में है, रालोद आज पूरी की पूरी पार्टी हमारे साथ में है, तो जिनके 15-15 विधायक हमारे साथ आ गए पूरी पार्टी को लेकर के, दोनों पार्टियों को मिला लिया जाए, उसके बाद में अगर समाजवादी पार्टी के मुखिया इस तरीके का बयान करते हैं तो बिल्कुल वही स्थिति है कि जिस प्रकार से राहुल गांधी जी का नामकरण हो गया बचकाना बयान देते देते, वैसे ही कहीं ना कहीं इस तरीके के बचकाना बयान देकर के इनका भी नामकरण ना हो जाए। दूसरी बात यह है कि देखिए भारतीय जनता पार्टी की जो लहर है, भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किया है, माननीय मोदी जी पर और माननीय योगी जी पर जिस प्रकार से जनता ने विश्वास जताया है, और लगातार आप देखिए 2014 का इलेक्शन हो, 2019 का इलेक्शन हो और 2022 का इलेक्शन हो, भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ लगातार आगे बढ़ती जा रही है, और आप देखिए कि जो लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं उनके ऊपर स्वयं सवाल खड़ा हो रहा है सामने, कि जो लोग अपने परिवार की सीटें हार गए वो दूसरों को बता रहे हैं कि डर के मारे वो नहीं लड़ रहे। देखिए भारतीय जनता पार्टी में अनुशासन है और यहाँ पर अगर कोई कोई सीट पे नहीं लड़ रहा है तो आप देखिए जिन 51 सीटों की घोषणा हुई है क्या पहले से सांसद विधायक मंत्री नहीं रहे क्या, तो सवाल मतलब अजीब सा सवाल कि अगर उसमें से कुछ लोग स्वेच्छा से अगर नहीं लड़ रहे चुनाव तो उसको इस तरीके की बातें कह रहा है कि वो हार का डर है, तो 51 लोग कौन है और 32 लोगों की लिस्ट आएगी वो कौन होंगे। अरे साहब क्या कहना चाहेंगे, वो उनकी रणनीति है, भारतीय जनता पार्टी अपनी स्ट्रेटेजी से आगे बढ़ रही है जैसे आप भी आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन उसको लेकर ये कह देना कि कुछ लोग हार के डर से छोड़ रहे हैं, जबकि वो तो गौतम गंभीर जी ने तो शुरू से ही बहुत पहले से शायद कह दिया था कि वो राजनीति से संन्यास लेना चाहते हैं, राजनीति से आप दूर होना चाहते हैं क्योंकि वो क्रिकेट पे ध्यान देना चाहते हैं। आसनसोल से भी पवन जी ने कुछ यही वजह बताई, ऐसे जो भी कई लोग ऐसे हैं जिनको अभी टिकट अनाउंस ही नहीं हुए उसके पीछे बीजेपी की रणनीति है, लेकिन हार के डर से पीडीए के डर से दिल्ली से टिकट क्यों छोड़ेगा कोई। सभी को बहुत बहुत नमस्कार है मेरा जी, और आगामी सभी त्योहारों की आपके चैनल के माध्यम से बधाई दी है। जैन साहब बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं जी, इन सब प्रकरण में जहां तक मुझे जानकारी है पूरे देश में 195 टिकट भारतीय जनता पार्टी ने घोषित की है, और जो चर्चाएं आप लोगों के माध्यम से आ रही उसमें जा रहे 100 से ज्यादा वर्तमान सांसदों और उसमें कई बड़े मंत्रियों के टिकट भी काटे जाएंगे, तो एक प्रचार चल रहा है बहुत तेजी से मोदी जी की गारंटी, तो मैं समझ रहा हूँ कि मोदी जी की गारंटी कहीं ना कहीं विफल साबित हो रही है, इसलिए लोग टिकट छोड़ रहे हैं, संन्यास ले रहे हैं, दिग्गज अभी भी संशय में है कि हमारा टिकट होगा कि नहीं होगा, जिनके टिकट प्रथम दृष्टिया पर पहली लिस्ट में आ जाने चाहिए थे उन लोगों के भी टिकट नहीं हुए हैं, तो निश्चित रूप से इसमें कई बातें हैं। एक तो ये है कि जो गोद लिए हुए गांव थे उनकी क्या स्थिति है, जो वादे करके आए थे 5 साल के उनके सांसद उन्होंने उस पर कितना काम किया है, और जनता के बीच में कैसे जाएंगे, महंगाई चरम पर है, युवा बेरोजगार है सड़कों पर है, किसान सड़कों पर है, तो ये सब तमाम वादे थे जिनको सब्जाग दिखा करके लूट लिया वोटों को भारतीय जनता पार्टी ने, और उन स्थितियों में अब जब दोबारा जाएंगे तो सवाल होगा कि बेरोजगारी से मरने वालों की 60% वृद्धि हो गई है, दिवालियापन और आर्थिक रूप से कमजोर लोगों में भी पिछले 10 सालों में वृद्धि हुई है, अपराध आत्महत्या करने वालों में,
आपके रेप की घटनाएं बढ़ी है पिछले 10 सालों में, अपहरण की घटनाएं बढ़ी है पिछले 10 सालों में, जो वादे जनता से किए थे विकास के, जो वादे आपकी सारी बातें सर सवाल हैं, नो डाउट सवाल हैं, लेकिन मेरे सवाल का जवाब नहीं है। मैंने आपसे सवाल किया कि ट्वीट कर रहे हैं अखिलेश जी कि क्योंकि पीडीए से डर लग रहा है इसलिए दिल्ली से साफ टिकट छोड़ रहे हैं। मैं जवाब दीजिए ना, उसी पर आइए ना। कहने तो दीजिए, इन सारी बातों से भी डर करके और निश्चित रूप से पीडीए का जो नारा अखिलेश यादव ने जी ने दिया है, जाति जनगणना का जो नारा अखिलेश यादव ने दिया है, उन नारों से भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है और इंडिया गठबंधन की सशक्तता से भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है। इसलिए मोदी जी की गारंटी उन सांसदों को रिपीट करने की नहीं बन पा रही है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी नए चेहरों को ला रही है ताकि वो लोग जाएंगे जनता के बीच में, पुराने चेहरे जाएंगे तो जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। और निश्चित रूप से मोदी जी इस वक्त 2024 में अब तक की सबसे कमजोर भाजपा की लीडिंग कर रहे हैं और 400 का नार का पार कर नारा तो हर आदमी समझ रहा है, 543 सीट और 200 सीटें तो ऐसी कि जहां खाते नहीं खुलेंगे आप, तो 343 सीट में आप 400 पार कहां से चले जाएंगे। तो ये छादम नारा देकर के लोगों को बहकाने और फुसलाने की कोशिश की जा रही है। सिद्धिश्री जी से जवाब ले लूं उसके बाद मैं नीरज जी आपके पास आ रही हूँ, इन मसलों को समझने की मैं आपसे कोशिश करूंगी, लेकिन सिद्धिश्री जी के पास पहले चले जाती हूँ। सिद्धिश्री जी, ये जो जवाब अखिलेश जी का ट्वीट जो सामने आया उसमें ये भी है कि अमेठी रायबरेली से भी सीटें होल्ड की हुई हैं भारतीय जनता पार्टी ने और इसे बीजेपी अपनी रणनीति के तहत बता रही है, लेकिन अब क्योंकि गठबंधन में हैं आप, तो अखिलेश जी का ट्वीट और ये कहना कि पीडीए से डर लग रहा है, अमेठी रायबरेली में पीडीए से डर लग रहा है बीजेपी को, गौतम गंभीर को पीडीए से डर लग रहा है, पवन को आसनसोल से टिकट नहीं चाहिए तो पीडीए से डर लग रहा है, ये लॉजिक समझ में नहीं आया, ये वही ट्वीट हो जाते हैं क्या मैडम, या आप समझाना चाहेंगी इस पर कुछ? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जी भारतीय जनता पार्टी अमेठी से रानी जी का घोषित हो चुका है टिकट। जी जी, वही मैं बता रही हूँ। तो डर डर किस बात का, बीजेपी अगर नहीं अपना ऐलान कर रही है किसी भी सीट पर तो उसके पीछे पीडीए ही वजह हो सकती है। देखिए, तो ठीक है, बहुत बहुत ही सही है, पीडीए तो बहुत आवश्यक है आज के परिवेश में जी, और जो गठबंधन है वो पूरी ताकत और मजबूती से लड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी के कुछ सांसद ऐसे हैं जो 5 साल में अब तक वहां पहुंचे ही नहीं, गए नहीं, विकास के काम ही नहीं हुए, तो वहां पे वो दे कि ना दे वो उनका अपना, वो अपनी चर्चा है भारतीय जनता पार्टी की। ये बहुत से लोग इस डर से भी भाग गए कि ये भाई डूबता जहाज है, इसमें कहाँ बैठे हैं, अब खुद ही कूद कूद के निकल जा रहे हैं। तो असलियत पता चल रही है कि वाकई में जो जो काम हुआ नहीं है, जमीन पे जो काम नहीं हुआ है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, जो विधानसभा चुनाव के बाद से एक कोई नाम बताइए बड़ा जो कूद कर बीजेपी से गया। देखिए, वो बहुत से लोग गए हैं बीजेपी में, मैं एक एक ही बता दीजिए जो लोकसभा विधानसभा चुनाव के बाद बीजेपी से कूद कर कहीं और गए। बहुत, देखिए बीजेपी का कूद के जाना, क्योंकि मेरे नॉलेज में नहीं है, नीरज जी आपके नॉलेज में हो तो आप भी याद दिला दीजिए कि विधानसभा चुनाव होने के बाद बीजेपी से कूद कर कोई बड़ा नाम, ये छोटे नेताओं की बात नहीं कर रही, कहीं जीत भी हो रही हो मैडम, रुक जाइए, कहीं राज्य में कहीं जीत भी रहा हो कोई, तो बीजेपी का तो काम ही है ये खरीद फरोख्त करना, वो इनका सत्ता लोलुप है, वो येन केन प्रकार सिर्फ हर तरह से वो सरकार बनाने की बात करते हैं, तो वो कूद के कोई जाए ना जाए उनको बीजेपी को तो अपने पास जोड़ना है, वो हमारी तरफ से भी उन्होंने जोड़े हैं कई लोगों को, वैसे ही वो हर और दलों से जोड़ रहे हैं, वो चाहे वो पापी हो, चाहे वो जो बहुत जिनके बारे में वो कहते थे कि 74,000 करोड़ का ये घाटा किया है, ये इसको ऐसा करना है, वो उसको उप मुख्यमंत्री बना देते हैं महाराष्ट्र में, तो बीजेपी की तो ये तरकीब है और ये तरह की उनकी बातें हैं कि वो उनको कोई सत्यता नहीं है। सत्यता आज ये है कि जो राहुल गांधी जी न्याय यात्रा निकाल रहे हैं उनके साथ जुड़ करके जो लोग समर्थन दे रहे हैं, जो 5 न्याय राहुल गांधी जी ने दिया है, वो आज वैसे नौजवान हमारे राहुल गांधी के साथ, कांग्रेस पार्टी के साथ, गठबंधन के साथ जुड़ करके, क्योंकि युवा ही इस
व्यवस्था परिवर्तन में बिल्कुल बदलाव लाने की ठान बैठा है और वो ही करेगा। पूरी तरीके से युवा ही भारतीय जनता पार्टी को अब बिल्कुल यहाँ से नेस्तनाबूद करने की तैयारी कर चुका है, क्योंकि जिस प्रकार से इको गार्डन में देखा, प्रयागराज में देखा, आज जो जिसकी जो भारत के जो भविष्य है उनकी स्थिति आपने देखी क्या हुई है। मैं फिर वही सवाल पे आ रही हूँ, डंडे खाने के बाद कि हवा में ही ट्वीट होने लगे, हवा में ही सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हुए विपक्षियों पर निशाना साधा, इसका लॉजिक क्यों नहीं समझ में आ रहा है और आप लोग समझा भी नहीं पा रहे। चलिए नीरज जी आपके पास आती हूँ, शायद आपके पास इसकी कोई डिटेल हो या इसकी कोई परिभाषा हो। मैडम, पीडीए से डर रहे हैं और दिल्ली से टिकट नहीं ले रहे हैं, ये ट्वीट जो आया जिसके बाद हमने ये समझने की आ रही हूँ। नीरज जी से बात कर लूँ, बहुत लंबा जवाब दिया आपने, रुक जाइए। कांग्रेस की एक सीट निकली थी, सिर्फ कांग्रेस की एक सीट निकली थी 2019 के इलेक्शन में, और वो भी राज्यसभा चली गई कि मेरा स्वास्थ्य नहीं ठीक है। वो ये बता करके राज्यसभा जा सकती है कि हम स्वास्थ्य कारणों से चुनाव नहीं लड़ना चाहते। वो नहीं भाग रही है, ये भागना नहीं है, ये भागना नहीं है। लेकिन लेकिन अगर कोई अपने क्रिकेट की तरफ ध्यान दे रहा है तो भाग रहा है, अगर कोई खिलाड़ी अपने क्रिकेट की तरफ ध्यान दे रहा है तो भाग रहा है। अरे स्मृति ईरानी जी, मैदान हमारे देश में हर पद बहुत ही महत्वपूर्ण है। रुक जाइए, रुकिए जरा, इंपॉर्टेंट एक लाइन में बोल दूं, उसके बाद नीरज जी इस पर आप अपनी टिप्पणी भी रखिएगा कि हमारे देश में हर एक पद बड़ा ही महत्वपूर्ण, बड़ा ही सम्माननीय और उसके अलावा जिम्मेदारी वाला होता है, फिर चाहे वो लोकसभा में हो, विधान सर को आवाज नहीं आ रही है, नीरज जी को प्लीज चेक कीजिए, नीरज जी आवाज आ रही है, अभी भ्रष्टाचारी बता रहे थे, अभी गलबैया कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं भाई? रुकिए प्लीज, रुकिए प्लीज, रुकिए रुकिए, नीरज जी आवाज मिल रही है आपको? जैन भाई, कांग्रेस को ऐसे ही बता रहे हैं, कांग्रेस लताड़ी गई पार्टी हो ही गई, अब हमारी बातों का जवाब दीजिएगा, अभी बोलने दीजिए, आप बोलिए। पारो, मैं ये पूछना चाह रही हूँ आपसे कि हमारे देश में अब तक हमने यही सीखा, यही समझा है कि हमारे देश में जिस भी सदन में जो भी शख्स बैठता है वो बड़ा ही चुनकर आता है और जिम्मेदारी बड़े पद पर बैठता है, फिर चाहे वो लोकसभा हो, विधानसभा हो या फिर वो राज्यसभा हो, लेकिन कांग्रेस का अलग तर्क है। इसके तर मैं आपसे ये भी समझना चाह रही हूँ कि पीडीए के डर से दिल्ली में अगर कोई टिकट छोड़ रहा है तो वो भी पीडीए से डर रहा है। ये ट्वीट जो किए जा रहे हैं इसका भी मैं एक सवाल, तो दूसरा सवाल मेरा ये है आपसे समझने के लिए, तीसरी बात इसमें ये जोड़ रही हूँ कि बीजेपी अपनी रणनीति के तहत जो सीटों को होल्ड कर रही है उसके पीछे वजह ये है कि उनके जो सिटिंग एमपीज हैं वो कहीं ना कहीं उन्हें लग रहा है हार जाएंगे या सामने वाले की रणनीति के बाद वो अपने पत्ते खोलेंगे, क्या बोलेंगे आप इस पर? देखिए, अगर सही मायने में कहा जाए पूरा स्पष्ट जो आपके सवाल है सब सवाल का मैं जवाब दूंगा, थोड़ा टाइम ले लूंगा, कोई बीच में बोलेगा नहीं। देखिए, 2014 में जब सरकार बनी थी, 14 इसलिए बोलना पड़ रहा है कि देश में 10 साल या उससे ज्यादा अगर कोई प्रधानमंत्री रहा है तो मोदी जी से पहले मात्र 3 लोग रहे, नेहरू जी रहे, इंदिरा गांधी रहे, मनमोहन सिंह रहे। तो 2014 में जब सरकार आई थी ना, तो हर दल राजनीतिक जो चीजें हैं, मर्यादा था, जातिगत मर्यादा है, सबसे इतर होकर देश के अंदर एक सरकार आई जो कि 2014 में 1984 के बाद 30 सालों में पहली बार पूर्ण बहुमत की सरकार है, और उस सरकार से बहुत ज्यादा उम्मीदें देश की जनता और युवा पाल लिए थे। और सबसे संयोग रहा कि उसी से साल दो साल पहले हमारे देश ने राजनीति के सिद्धांतों से इतर हटकर एक चारित्रिक शब्दों की, ऐसे चरित्रहीन शब्दों का और ऐसे लक्ष्यदार शब्द जो कि व्यक्तिगत टॉर्चर कहा जाए, उसे आरोप कहा जाए, एक व्यक्ति के द्वारा बार बार किसी न किसी के रूप ऊपर होता रहा है, वो थे तत्कालीन मुख्यमंत्री, वर्तमान में देश के प्रधानमंत्री और संयोग से भाजपा के स्टार प्रचारक। अब आइए, 14 के बाद 19 में जब आया तो संभावनात्मक राजनीति का दौरा चला था, पूरा चला था। आपने देखा कि जिस पुलवामा को 26 जनवरी 2019 बोला जाता है कि आतंकवादी विहीन जिला घोषित हो गया है, 14 फरवरी 2019 को देखा कि हमारे देश ने 44 जवानों को खोया, वहां पर आरडीएक्स आया कहां से, आज तक वो मामला पड़ा हुआ है, कोई नहीं बता सका। आज आप बताइए कि देश ये जानना चाहता है कि भाई भ्रष्टाचार मुक्त देश आपने किया, कांग्रेस मुक्त देश आपने किया, या भ्रष्टाचारी युक्त और कांग्रेस युक्त भाजपा आपने किया? जब शर्म की बात है कि जैन साहब कह रहे हैं कि कांग्रेस और सपा और तमाम दल के लोग भाजपा में आ गए, इसका मतलब कि कितना मतलब आपके नैतिक जो कर्तव्य और दायित्व थे उससे विमुख होकर आप कह रहे हैं कि आपके पास नेताओं की कमी हो गई, जो आप कह रहे हैं ये कौन सी भाषा है भाई, सुनिए, ये कौन सी भाषा है राय साहब,
ये वही बात है, आपने नरेंद्र मोदी जी को बता दिया और उन्होंने गलत शब्दों का इस्तेमाल किया। नरेंद्र मोदी जी के लिए क्या क्या शब्दों का इस्तेमाल किया एक बता दीजिए। सदस्य नहीं हूं, बात करिए पूरी बात कीजिए, पूरी बात कीजिए, अभी पूरी बात दीजिए। अभी बोला झूठ से ज्यादा घातक है, अरे मेरे भाई शब्दों का इस्तेमाल किया गया। अरे यही राजनीतिकों के लिए ये बताइए ना आप, अरे क्या खून का सौदागर नहीं कहा गया, तड़के हुए हाथ नहीं कहा गया, तड़प नहीं क्या कहा गया, तो आप किसके लिए शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं? बीच में आप चलिए बारी बारी से बात कर लीजिए, बारी बारी से बात कर लीजिए। आप बोलेंगे, आप सुनना पड़ेगा। आप मेरे नीरज जी, आप पास्ट में ना जाइए, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, आप भूमिका बनाइए मत। आप ये बताइए कि आप इस चीज को देखते कैसे हैं, आपका एक सिंगल विजन क्या देखता है इस चीज को, जो मेरे सवाल आपके सामने रहे उसको आप किस विजन से देखते हैं? सुनिए पहले, तीन दलों के प्रवक्ताओं का मैं यहाँ पे चुपचाप सुन रहा था, क्रमशः मैं बताना शुरू किया हूँ, उसके बाद इनको मिर्ची लगती है। अरे भाई सांच को वांच कैसा, आप अभी कांग्रेस और सपा में मुझे जाने नहीं दे रहे, झूठ बोलने बैठ करके यहाँ पे झूठ बोलिए ना, पूरी बात कहिए ना। कांग्रेस की तरफ से कोई टिप्पणी नहीं हुई, मेरे पास समय कम है, बारी बारी से बाकी लोगों का जवाब लेना होगा। नीरज जी, प्रधानमंत्री जी को सीधे कटघरे में खड़ा कर दिया कि भाई जब से नरेंद्र मोदी जी आए उस समय मुख्यमंत्री थे, आज प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने गलत शब्दों का इस्तेमाल किया। नीरज जी इतिहास मत बताइए ना, आप वर्तमान में जो चीजें चल रही हैं राजनीति के परिदृश्य में उस पर बात कीजिए। ठीक है, वापस आइए, सिंपल आप छोटा सा कमेंट कीजिएगा, तूतू मैमे वाली बहस हो गई, अब रुक जाइए प्लीज। नीरज जी, नीरज जी वर्तमान परिदृश्य में राजनीति में जो सब सारी चीजें चल रही हैं चुनावी समय में, इन सब चीजों को आप 30 सेकंड्स में बस अब आप बात रख पाएंगे अपनी समय, क्योंकि मेरे पास कम है, 30 सेकंड्स में अपनी बात रखिए। नीरज जी, एक सेकंड केसी जी साहब, इसके बाद मैं आपके पास आ जाऊंगी ताकि आपकी बात चली जाए। प्रधानमंत्री को आप कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, भारत की अर्थव्यवस्था बन गई, दोनों की आवाज नहीं आ रही है सर, दोनों की आवाज नहीं जा रही है, रुक जाइए, दोनों को म्यूट कर दीजिए पॉसिबल हो तो, मैं अब आरएफ साहब के पास, रुक जाइए। आप ये कहिए आपके पास नेता नहीं, आप कह रहे हैं तू मैंने वाली डिबेट सर नहीं सुनाई देती है, रुक जाइए प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट है आप दोनों से प्लीज रुकिए, 30-30 सेकंड में अपनी बात बारी बारी से कम्प्लीट कीजिए। नीरज जी 30 सेकंड में बोलिए, किसी जैन साहब मैं आपके पास ही आ रही हूँ, रुक जाइए प्लीज रुकिए, 30 सेकंड बाद मैं आपके पास ही आ रही हूँ। नीरज जी 30 सेकंड में अपनी बात कीजिए और वर्तमान परिदृश्य में राजनीति को कहाँ देख रहे हैं आप उस पर बात कीजिए, आप इतिहास को मत टटोलिए, आप अभी बात कीजिए जो है, फिर नहीं तो बहुत सारे पन्ने खुलते हैं। ट्रिप होगा तो मुझे प्लीज मत बैठाइएगा क्योंकि मेरे पास भी समय नहीं है, मैं सबको छोड़ के 30 सेकंड बोलना चाहते हैं सर, आप अभी 30 सेकंड बोलना चाहते हैं और इनसे अच्छे अच्छे इनके नेता पार्टी के सर 30 सेकंड बोलना चाहते हैं अभी आप, 30 सेकंड क्या, मैं पूरा 20 मिनट सुना हूँ सबका, मैं बोल नहीं सकता हूं, आप बताइए। अभी इनको मैं बोलना शुरू किया, इसके बाद सपा के आए, पीडीए की बात चल रही थी सर, ऐसे भूमिका बनाएंगे तो डिबेट में इतना समय नहीं मिल पाएगा, कैसे जान साहब बोलना शुरू, नहीं नहीं ऐसे नहीं होती सर डिबेट, आपको अपनी बात उतने ही समय में रखनी पड़ेगी और सभी को समय मुझे बराबर देना पड़ेगा। ठीक है केसी जैन साहब, आप भूमिका बनाने मत चलिए कि किसने क्या कहा किसने क्या नहीं किया, आप अपने नजर से किसको क्या देखते हैं आप वो देखिए। ठीक है केसी जैन साहब 30 सेकंड प्लीज, नहीं नहीं सर टाइम वेस्ट मत कीजिए प्लीज। पारुल जी देखिए, जिन लोगों की लिस्ट में नाम नहीं घोषित किया गया है उन अभी तमाम सारी लिस्ट आना बाकी, रुक जाइए हमारी लास्ट में आती हूं आपके पास। दूसरी बात ये कि आप देखिए कि मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री जी ने अपना पद छोड़ दिया और दूसरे को मुख्यमंत्री बनाया गया, आप देखिए राजस्थान में दूसरे को मुख्यमंत्री बनाया गया, तो भारतीय जनता पार्टी में ऐसा नहीं कि कोई एक बार किसी पद पे आ गया तो आजीवन उसी पद पर रहेगा, टिकट बदले जा सकते हैं, हो सकता है जो 29 टिकट बाकी है 29 में हो सकता है 20 टिकट बदल दिए जाए, हो सकता है एक भी टिकट ना बदला जाए, तो देखिए यहाँ पे कोई राजतंत्र नहीं है, लोकतंत्र है और सबको अधिकार मिलता है। आरिफ साहब, आरिफ साहब देखिए निश्चित रूप से पीडीए का जो समीकरण लालू अखिलेश यादव जी ने दिया उससे भय तो पूरी समाज भारतीय जनता पार्टी के अंदर है, और पहली बात मैं ये बताना चाहता हूँ कि जैन साहब जैसे लोगों को के कलेजे को दाद देना पड़ेगा कि महंगाई चरम पर,
व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं सर, सिद्धेश्वरी जी व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं, व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं, फिर वही तू तू मैं वाली डिबेट पे आ जाएंगे। अरे जी कहां व्यक्तिगत नहीं करना ना हमें टिप्पणी, आप बीजेपी को एड्रेस कीजिए या मुझे एड्रेस करके बात कीजिए, ठीक है सिद्धेश्वरी जी 30 सेकंड्स मैडम। नौकरी की बात करते हैं, 500 रुपए महीने अपने मानक तय किए कि 70 प्लस को नहीं देना है, लेकिन जो बेचारे जो और लोग थे युवा में थे और जो 70 से थोड़ा नीचे थे वो भी बैठे रह गए, 70 को दे दिया, तो इनमें इनमें कोई सच्चाई तो है नहीं। ये जिसको भी दे सकते हैं टिकट ठीक है वो उनका अपना मामला, मैं इसलिए आप लोगों से बार बार निवेदन करती हूँ कि लिमिटेड टाइम होता है उसमें अपनी बात रखिए, तू तू मैं वाली डिबेट में मत जाइए, समय खराब होता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। उत्तर प्रदेश की हम बात कर रहे थे, 195 सीटों पर टिकट का ऐलान हुआ लेकिन कुछ यूपी में छोड़ दिए गए, सिर्फ 51 सीटों पर ऐलान हुआ। अब कहा जा रहा है 24 पर होगा, लेकिन बहुत सोच समझ के सामने वाले के पत्ते देख कर बीजेपी अपने पत्ते खोलेगी। लेकिन उसके तहत ट्वीट आ गया अखिलेश जी का, अखिलेश जी ने कहा कि पीडीए से डर गए हैं कुछ लोग इसलिए टिकट छोड़ रहे हैं। बीजेपी की तरफ से इस पर फिर टिप्पणी की गई। अब सवाल ये है कि राजनीति चुनावी समय है, राजनीति में उबाल और आएगा, लेकिन देखना होगा कि अब जो बचे हुए नाम हैं, क्योंकि कुछ तो पहले के रिपीट हुए हैं, जो सिटिंग एमपी थे उनको ही रिपीट किया गया है, अब जो नाम होंगे जिनको रोका गया है वो भी नामी हैं, बड़े दिग्गज हैं, उनकी जगह पर कौन आएगा, और फिर कोई बवाल तो नहीं होगा, किस तरह से संभालेगी बीजेपी, ये चुनौती होगी बीजेपी के सामने। दीजिए इजाजत, नमस्कार।